हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है शौरव क्लासेस। आज मैं एमएस सेमेस्टर 2 के पेपर EC1 इस पेपर से एक महत्वपूर्ण विषय बिब्लियोग्राफी, जिसे हम संदर्भ ग्रंथ सूची भी कहते हैं, लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। एक शोधार्थी अपने शोध कार्य के लिए एक ग्रंथ सूची का निर्माण करता है, जिसे संदर्भ ग्रंथ सूची या बिब्लियोग्राफी कहा जाता है। इसका निर्माण मूलतया प्राथमिक और द्वितीयक स्रोतों को मिलाकर किया जाता है। बिना संदर्भ ग्रंथ सूची के कोई भी शोध पूर्ण नहीं हो सकता। एक अच्छा शोध तैयार करने के लिए एक अच्छा पुस्तकालय अनिवार्य होता है। पुस्तकालय में उपलब्ध किताबें, जर्नलों, समाचार पत्रों, विभिन्न आलेखों आदि की सहायता से संदर्भ सूची तैयार की जाती है। इस संदर्भ सूची में प्रसिद्ध इतिहासकार बीशेख अली बताते हैं कि ग्रंथ सूची का कार्य समाप्त ना होने वाली एक प्रक्रिया है। शोध कार्य प्रारंभ करने से पूर्व विद्वान या शोधार्थी का शोध कार्य की विधा से पूर्ण करने के लिए ग्रंथ सूची तैयार करने की आवश्यकता होती है। जब एक शोधार्थी सूची तैयार कर रहा होता है, तो उसे प्राथमिक एवं द्वितीयक स्रोतों को अपने मस्तिष्क में अवश्य रखना चाहिए। सारे अप्रकाशित ग्रंथ, मूल सामग्री, तत्कालीन अभिलेख, निजी पत्र, शिलालेख, सिक्के तथा साहित्यिक स्रोत प्राथमिक स्रोत होते हैं। इसके अतिरिक्त ऐतिहासिक निबंध के संदर्भ में भी एक ग्रंथ सूची बनाने के लिए लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं। ग्रंथ सूची को तैयार करते समय कोई कार्ड व्यवस्था लागू करनी चाहिए। एक अलग कार्ड पर ग्रंथ अथवा पत्रिका के प्रत्येक शीर्षक को लिखा जा सकता है। इन कार्ड्स को वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित रखना चाहिए। इसके अतिरिक्त कार्ड्स जो तैयार हों वे समान आकार के होने चाहिए। ग्रंथ सूची तैयार करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना होता है, जैसे ग्रंथ का शीर्षक, उस ग्रंथ के जिल्द जिससे सामग्री ली गई है के साथ लिखा जाना चाहिए, प्रकाशन का स्थान, प्रकाशन का वर्ष आदि का भी वर्णन लिखा जाना चाहिए। एक इतिहासकार अथवा शोधार्थी को सही तरीके से संदर्भ सूची लिखने के लिए सबसे पहले लेखक का नाम लिखा जाना चाहिए। इसके बाद किताब का नाम लिखा जा सकता है, उसके बाद प्रकाशन तथा उसका स्थान, तत्पश्चात प्रकाशन का वर्ष उल्लेखित करना चाहिए। यदि ग्रंथ सूची को तैयार करने में यह ढंग अपनाया जाता है, तो एक शोधकर्ता की आवश्यक सामग्री की तरह मदद करेगा और अत्यधिक समय और ऊर्जा की बचत होगी। अधिकांश पुस्तकालयों में दो प्रकार के कार्ड का प्रयोग होता है, एक विषय कार्ड तथा दूसरा विषय लेखक कार्ड। कुछ बहुत उपयोगी टिप्पणियां तथा लेख प्रसिद्ध जर्नल में छपती हैं। इनमें भी काफ़ी संख्या में ग्रंथ सूची वर्णित होती हैं, लेकिन ये जर्नल्स और पत्रिकाएं समय समय पर प्रकाशित होती रहती हैं, अतः इन सभी को पढ़ना एक कठिन कार्य है। विद्वानों के मध्य द्वितीयक स्रोतों के अध्ययन के बारे में अनेक भिन्नताएं होती हैं। कुछ विद्वानों का मत है कि द्वितीयक स्रोतों पर अधिक जोर नहीं देना चाहिए, लेकिन द्वितीयक स्रोत एक शोधार्थी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। दरअसल ये द्वितीयक स्रोत विषय के चयन, उसके विस्तार की सीमा में शोधकर्ता की काफ़ी मदद करते हैं। निष्कर्षता हम पाते हैं, इस तरह हम उपरोक्त अध्ययनों के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि उत्कृष्ट शोध कार्य हेतु ग्रंथ सूची एक महत्वपूर्ण तत्व होता है। इसके बिना शोध कार्य पूर्ण नहीं हो सकता। ग्रंथ सूची की पूर्णता की प्रक्रिया लगातार होती रहती है और एक शोधकर्ता को अपने शोध को पूर्ण करने तक इसे तैयार करते रहना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।